आप मान सकते हैं कि आपकी यूट्रस का साइज इतना है, तो बच्चे को रखने के लिए उसका साइज बढ़ता जाता है समय के साथ साथ। तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो बाकी सारे जितने बॉडी के हमारे बेली के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो उनको डिस्प्लेस करता है। तो जैसे जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस होते हैं तो इस समय आपको पेट के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। ये शुरुआत के 3 महीनों में, जो शुरुआत की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी गर्भावस्था का 3रा सप्ताह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि इस सप्ताह में महिला के शरीर में कोई भी बाहरी बदलाव नहीं देखते हैं, लेकिन महिला के शरीर के अंदरूनी बदलावों को महिला बखूबी महसूस कर सकती है, आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और 3रा सप्ताह ही वो समय होता है जब एक महिला को खुद से पता चलता है कि उसने गर्भधारण कर लिया है। बाकी जो आपने 2 सप्ताह गुजार दिए हैं, लगभग बहुत सारी महिलाओं को, ऑलमोस्ट 90% महिलाओं को अभी नहीं पता होता है कि उन्होंने गर्भधारण किया हुआ है। और 3रा सप्ताह ही वो समय होता है जब एक महिला को पता चलता है कि उसने गर्भधारण किया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम आपको बता दें, जो आपका बन रहा प्लेसेंटा है वो HCG हार्मोन का निर्माण भी करता है। तो जो HCG हार्मोन होता है वो महिला की यूरिन में, महिला के ब्लड में HCG हार्मोन की उपस्थिति होती है। तो आप अपने ब्लड में और यूरिन में HCG हार्मोन की मौजूदगी से पता लगा सकते हैं कि आपने गर्भधारण कर लिया है, जिसको कि साधारण भाषा में UPT बोला जाता है, जो कि मोस्टली महिलाएं इसी माध्यम से डिफाइन करती हैं कि उन्होंने गर्भधारण किया है या नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम तक आपका पीरियड भी मिस हो चुका होता है। तो आइए बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपके शिशु का कितना विकास हुआ होता है। तो हम आपको बता दें, 3रे सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो सिर्फ महज कोशिकाओं का अभी गोला है, सिर्फ वो एक कोशिका विभाजन का एक गोले की तरह ही प्रतीत होता है। तो वो गोला आपको इस सप्ताह में, यानी कि आपकी गर्भावस्था के 3रे सप्ताह में, आपकी गर्भाशय की वॉल से यूट्राइन लाइनिंग में अभी वो खुद को कनेक्ट करता है। वो इस सप्ताह में सिर्फ यूट्राइन लाइनिंग में खुद को कनेक्ट ही कर पाता है, उसका इम्प्लांटेशन सफल हो पाता है। तो जो गर्भावस्था का 3रा सप्ताह होता है उसमें आपको इम्प्लांटेशन की हल्की सी ब्लीडिंग भी महसूस हो सकती है, लेकिन यह ब्लीडिंग आमतौर पर पीरियड का जो ब्लड होता है, पीरियड ब्लड से बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही लाइट सी ब्लीडिंग होती है। और बात करें आपके बच्चे के विकास की, तो वो सिर्फ महज एक कोशिकाओं का गोला है, उसमें अभी कोशिका विभाजन ही हो रहा है और बाकी उसके कोई भी अंग नहीं डेवलप हुए हैं। और बात करें अगर अल्ट्रासाउंड की, तो इस सप्ताह में जो आपका बेबी है, जो वो कोशिकाओं का गोला है, उसकी कोई भी अल्ट्रासाउंड की इमेज नहीं आती है। 3रे सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की कोई भी अल्ट्रासाउंड इमेज नहीं बनती है और विकास उसका सिर्फ इतना ही हुआ होता है कि उसकी सेल्स में डिवाइडेशन चालू है, उसकी सेल्स विभाजित हो रही हैं और बहुत ही तीव्रता से विभाजित हो रही हैं। आगे आने वाले सप्ताहों में उसके बाकी सारे शरीर के अंगों का विकास होना भी प्रारंभ होगा। तो अभी 3रे सप्ताह तक सिर्फ उसका इतना ही विकास हुआ होता है। आइए अब बात करते हैं कि आपके शरीर में कौन से बदलाव आते हैं। तो आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनका स्राव चालू हो जाता है आपकी गर्भावस्था के दौरान। तो बच्चे के विकास और हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण में जी मचलाने और मतली आने जैसी समस्या को देखा जा सकता है। आपके ब्रेस्ट में भारीपन, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको थकान महसूस होना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षणों में से एक है। तो आप इससे महसूस कर सकते हैं कि आपने गर्भधारण कर लिया है। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है आपकी पीरियड डेट का मिस होना, और इसके साथ में कई महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार क्रैम्प बना रह सकता है, पीरियड जैसा हल्का हल्का सा मरोड़ फील हो सकता है, आपके स्वाद में बदलाव देखा जाता है, क्योंकि कई बार महिलाओं को ऐसा होता है जो चीज़ें उनको मोस्टली पहले बहुत अच्छी लगती थी और प्रेगनेंसी को कंसीव करने के जस्ट आफ्टर उन चीज़ों को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और कई महिलाओं को कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। आपका जो नॉर्मल शेप का यूट्रस था, अब उसको बच्चे को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को अच्छे से रखने के लिए उसका बढ़ना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आपका यूट्रस, सपोज दैट आप मान सकते हैं कि आपकी यूट्रस का साइज इतना है, तो बच्चे को रखने के लिए उसका साइज बढ़ता जाता है समय के साथ साथ।
तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो बाकी सारे जितने बॉडी के हमारे बेली के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो उनको डिस्प्लेस करता है। तो जैसे जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस होते हैं तो इस समय आपको पेट के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। ये शुरुआत के 3 महीनों में जो शुरुआत की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और बाकी जैसे जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है फिर ये समस्या कम हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं आपके पिछले 2 सप्ताहों की तरह ही आपको इस सप्ताह में भी आपकी चेस्ट में भारीपन, आपके ब्रेस्ट में खिंचाव महसूस होगा, आपके शरीर के बाकी सारे अंगों में भी खिंचाव महसूस हो सकता है। और आइए बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों का सेवन ज़रूर से करना है। तो हम आपको बता दें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, दही, छाछ, फ्रेश दूध से बनने वाली मिठाइयाँ हो गई, पनीर हो गया, आपको इन सभी चीजों को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। साबुत अनाज हैं, दालें हैं, ओट्स, नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनको भी आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। और कई सारी महिलाओं को कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो कब्ज या फिर मतली आने में आपको हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। तो आप एक दिन में 8 से 10 ग्लास या फिर आप 10+ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 10 ग्लास नियमित तरीके से पानी जरूर पिए, क्योंकि शुरुआत दिनों में कई सारी महिलाओं को वोमिटिंग की काफी समस्या रहती है, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, जिसके लिए आपको पानी बहुत ज्यादा, जितना अधिक से अधिक हो सके आप पानी लेने की कोशिश करें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। और हम आपको बता दें जो प्रोटीन्स होती हैं वो बच्चे की मसल्स को, बच्चे के टिश्यूज की शुरुआती ग्रोथ के लिए, उनके बनने में, उनके निर्माण होने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और जो डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाला कैल्शियम होता है या फिर आप किसी भी सोर्स से आप अपने बॉडी को कैल्शियम दे रहे हैं तो वो कैल्शियम बच्चे की बन रही शुरुआती जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों की मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको आप अपनी रोजाना की डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो आपकी बॉडी पर ही निर्भर करती है। उसको जितने सारे मिनरल्स की ज़रूरत होगी, जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, वो माँ के शरीर से ही उसको प्राप्त होते हैं। तो आप अपने शरीर का, आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें, इनएक्टिव बिल्कुल भी ना रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और ज़्यादा उछल कूद या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ये सारा आपको बिल्कुल से अवॉइड करना है। बहुत हैवी वेट आपको नहीं उठाना है, क्योंकि मोस्टली महिलाएं जो होती हैं वो घर का काम करती हैं, हमें घर का काम करना होता है। नॉर्मली महिलाएं कभी कपड़ों से भरा हुआ टब या फिर पानी से भरी हुई बकेट आप उठा लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल से अवॉइड करना है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जो मिसकैरेज का खतरा होता है वो अधिक होता है। तो आपको इन सारे कामों का अवॉइड करना है, और कोशिश करें कि अगर आप ट्रैवलिंग में ना ही जाएं तो बेहतर है, ट्रैवलिंग आप बिल्कुल से अवॉइड कर सकते हैं। कई सारी महिलाओं को अगर मिसकैरेज की आपकी पहले से हिस्ट्री रही है तो ऐसे में तो आपको ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है, आप धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें, नशे से, केमिकल्स से भी आप दूरी बना सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आपको कोई भी वैसे समस्या होती है, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो खुद से आप खुद के डॉक्टर ना बने, आप घर पर ही रहकर कोई भी पेन किलर लेने की कोशिश ना करें, कोई भी मेडिसिन ऐसे ही बिना अपने डॉक्टर की कंसल्ट के ना लें, ये आपके बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। तो हम आपको फिर से सजेस्ट करेंगे बिना डॉक्टर की परामर्श के आप पूरे 9 मंथ में कोई भी जो अदर मेडिसिंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो नॉर्मली हम घर पर यूज़ कर लेते हैं, उनको आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था का 3रा सप्ताह बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाए होंगे। और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट ज़रूर से करें, हमें आपके सवालों का, आपके सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा। और अगर वाकई आपको आज की इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आपको बता दें जो आपकी लाइक्स होती हैं, आपकी कमेंट्स होती हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है, आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपकी लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है और एक नई वीडियो लाने के लिए अंदर से मोटिवेट होते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी की वीक बाय वीक सीरीज में हम आपको बहुत अच्छे से आपकी गर्भावस्था के दौरान आपके शिशु में और आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं बहुत अच्छे से सबको डिफाइन करने वाले हैं। तो आप हमारी सीरीज में यूं ही जुड़े रहें और अपने गर्भस्थ शिशु के बारे में यूं ही रोचक जानकारी हासिल करते रहें।
फाइनली वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।